अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना नए मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, पर अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फ़ायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह ले वह मनुष्य है, और जो दो बार अपमान सह लेता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सह लेता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं, कुछ कहते भी नहीं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताना मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाते रहे, तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे, और लोग भी आपकी कदर करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करें, तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वह तो पाप का भागी है ही, पर जो इंसान चुप होकर अत्याचार को अन्याय को सहता है वह भी पाप का भागी है। क्योंकि अत्याचारी को अन्याय को पहली बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी ही नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, उससे कुछ नहीं कहेंगे, तो अगली बार वह हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि अपने सम्मान की रक्षा करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुण से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पर, स्वाभिमान पर चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अपमान ना कर सके, कोई भी आपके इस सम्मान को, स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो तीन बातें आप हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ भी बोल जाता है, हम तो चुप रहकर सह लेते हैं, क्या करें, कैसे जवाब दे? तो आप अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वह खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी की बातों का जवाब देने का मतलब यह नहीं कि हमें झगड़ा करना है या हमें क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है, तो सहज भाव में आपको उसका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों पर उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता।
आपको सीखना है कि बिना क्रोध के लोगों के बातों का कैसे उत्तर दे सकते हैं। कई लोग कहते हैं, हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं, हम एक जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब दे देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप करा कर चला जाएगा। जितना बात करेंगे उतना लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपकी वाणी का विकास होगा। एक व्यक्ति तैरने गया। जब वह पहले दिन तैरने के लिए पूल में उतरा तो उसे तैरना तो आता ही नहीं था, तो वह डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा पर वह डूबता जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा कि यह डूब ना जाए, फिर उसको बचाकर बाहर ले आया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया कि उसने कहा, मैं पानी में अब तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? क्या कोई व्यक्ति पानी में उतरे बगैर तैरना सीख सकता है? ठीक उसी प्रकार, जब आप लोगों के बातों का उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, तो आपको बात करना कैसे आएगा? आप ऐसे चुप रह करके सहते जाएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? याद रखना एक बात, अगर आप हर किसी की बातों को ऐसे चुप करके सहते रहेंगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से, बिना क्रोध में आए लोगों की बातों का उत्तर देना सीखिए। यही तो कला है जो लोगों को उत्तर देना नहीं आता। क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि बिना आवेश में आए, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों को उत्तर देना है, चुप रह करके कुछ भी नहीं सहना है। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, उसके बाद आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछें कि क्या अपनी जिंदगी में क्या सीखा, क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, लेकिन हाँ, किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपनी चेतना को, अपनी समझ को, अपने अनुभव को भी डेवलप करना जरूरी है। खुद पर मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप करेंगे आपके अंदर उतना ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे आप किसी का भी अत्याचार चुप करके सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों से, बुरी संगतों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी की खुशी नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचे गिराने में रहते हैं कि कैसे इसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इसकी हंसी उड़ाया जाए, इसको ताने मारे जाए। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी बदल नहीं सकते। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। अगर जिंदगी में आप इन तीन बातों को याद रखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा। तो अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान की रक्षा आपको खुद करना आना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।